नमस्कार, सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक बार पुनः आज इस ऑनलाइन कक्षा में आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिहेवियरल अप्रोच, हर्बर्ट साइमन। इससे पहले 10 इकाइयों का अध्ययन हम कर चुके हैं। UGPA 101 कोर्स कोड UGPA 101 है और ये आपके स्नातक के प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत आता है पेपर। तो हम इसके अंतर्गत हम 10 इकाइयों का अध्ययन कर चुके हैं। आज ये हमारी 11वीं इकाई है जिसका टॉपिक आपके सामने है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे सबसे पहले कि बिहेवियरल अप्रोच क्या होती है, यानी व्यवहारवादी उपागम कहते किसे हैं। उसके बाद हम हर्बर्ट साइमन का इसमें क्या योगदान है, उनके डिसीजन मेकिंग अप्रोच को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और डिसीजन मेकिंग अप्रोच एक सेपरेट अप्रोच है, एक अलग से टॉपिक है, उसको बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो इस पर एक अलग लेक्चर देना होगा। तो यहाँ हम दोनों को शामिल करेंगे। सबसे पहले हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करेंगे, फिर हम हर्बर्ट साइमन के विचारों का वहाँ पे संक्षेप में उसकी चर्चा करेंगे। यदि क्रम देखा जाए तो बिहेवियरल अप्रोच सिस्टम अप्रोच से पहले हमें पढ़ना चाहिए। उसका जो सीक्वेंस है वो सिस्टम अप्रोच से पहले इसका नंबर आता है। लेकिन आपका जो पाठ्यक्रम है जिसके अनुसार हम यहाँ पे क्लासेज आपको प्रोवाइड करते हैं, उस आपके पाठ्यक्रम में सब इससे पहले सिस्टम अप्रोच जो हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जस्टर बर्नार्ड का, उसमें हमने कॉन्ट्रीब्यूशन देखा था, तो हमने सिस्टम अप्रोच को पहले पढ़ा है और अब हम बिहेवियरल अप्रोच को पढ़ेंगे। तो बिहेवियरल अप्रोच थोड़ा सा हम संक्षेप में जानेंगे क्या होती है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। द क्लासिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इग्नोर्ड एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सच एज लीडरशिप सेटिस्फेक्शन, मोरल मोटिवेशन एट्सेट्रा। अब क्लासिकल अप्रोच के अंतर्गत जैसे हमने पढ़ा था F.W. टेलर को, और हम गुलिक को पढ़ते हैं, फ्योल को पढ़ते हैं, फॉलेट को पढ़ते हैं, इन सभी थिंकर्स के हम विचारों को पढ़ते हैं। तो क्लासिकल अप्रोच में जो कि जिसे हम शास्त्रीय उपागम भी कहते हैं, उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि संरचना और प्रक्रिया यानी स्ट्रक्चर और प्रोसेस, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो संरचना है उसका जो स्ट्रक्चर है, कैसे उसे बनाया जाना चाहिए, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, लक्ष्य, इन पर ज़्यादा चर्चा की जाती है, ना कि उसमें जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उसकी चर्चा नहीं की जाती। उनके बीच संबंध कैसे होने चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं की जाती है। तो बिहेवियरल अप्रोच के अंतर्गत इस पर फोकस किया जाता है कि जो संगठन में कार्यरत व्यक्ति हैं, जो ह्यूमन एलिमेंट है, मानवीय तत्व है, यानी मनुष्य है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसके व्यवहार से काफ़ी प्रभाव पड़ता है संगठन पर। द बिहेवियरल अप्रोच अटेम्प्ट्स टू एड्रेस दीज इश्यूज, और इन जो इश्यूज हैं, जैसे ऊपर हमने देखा लीडरशिप सेटिस्फेक्शन, मोरल मोटिवेशन एट्सेट्रा, तो इनको कैसे, इन इश्यूज को बिहेवियरल अप्रोच कैसे एड्रेस करती है। इट डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डाइवर्स इन्वायरमेंटल सेटिंग्स, कि मनुष्य का विभिन्न अलग अलग जो सेटिंग्स होती हैं, जो परिवेश होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक परिवेश होता है, उसमें एक मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है, क्योंकि मानव का जो व्यवहार है वो परिवर्तित होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। बिहेवियरल मूवमेंट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द लेट 1930s एंड अर्ली 1940s, यानी 1930 से 40 के बीच में इसका इमर्जेंस हुआ है, एग्जिस्ट हुई है बिहेवियरल, एक बिहेवियरल अप्रोच मूवमेंट के रूप में शुरुआत हुई है इसकी। एंड अलॉन्ग विद ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, आपको याद होगा हमने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पढ़ा था क्लासिकल अप्रोच के बाद, जिसमें हमने एल्टन मेयो को पढ़ा था, और एल्टन मेयो के जो बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको हम हाथोन एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं, उसके बाद जो ह्यूमन एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी चर्चा होने लगी थी। तो सबसे पहले ह्यूमन एलिमेंट को अगर किसी ने नोटिस किया, अगर इस पर किसी ने जोर दिया, तो वो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंतर्गत एल्टन मेयो ने किया था, और बाद में उसी को व्यवहारवादियों ने यानी बिहेवियरल जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। बोथ ऑफ दीज मूवमेंट्स, अब ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं, दोनों में ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की बात की जा रही है और बिहेवियरल मूवमेंट की बात की जा रही है। Both of these movements primarily deal with human element in the organization which was not given due importance previously by the
क्लासिकल स्कॉलर्स ने ह्यूमन एलिमेंट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लोज सिस्टम बताते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग इज डिफिकल्ट विदाउट एन इनसाइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स एम्प्लॉई. जब तक हम संगठन में कार्यरत जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उन पर बात नहीं करेंगे, उनके बिहेवियर को नहीं समझेंगे, उन पर चर्चा नहीं करेंगे, तब हम ऑर्गेनाइजेशन को समझ नहीं पाएंगे. दिस अप्रोच प्राइमरली फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स. जैसा भी हमने पहले डिस्कस किया, प्राइमरली फोकस किस पे रहता है? ह्यूमन बिहेवियर पे. कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स होती हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, परिवेश होता है, उसमें एक मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है. इट इमर्ज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू प्रोवाइड रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन. कैसे व्यक्ति वास्तव में संगठन के अंतर्गत व्यवहार करता है. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट कंडक्ट्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. तो जैसे रूल रेगुलेशंस पे क्लासिकल अप्रोच में क्या होता है, नियम और विनियम की ज़्यादा चर्चा की जाती है, और उनके पास नियमों का एक सेट होता है, उसी पर सभी को कार्य करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है. मनुष्य का व्यवहार बदलता रहता है, उनके संबंधों में बदलाव आता है, लेकिन जो नियम विनियम होते हैं वो फिक्स होते हैं क्लासिकल अप्रोच के अंतर्गत, जो ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा की गई है. हर्बर्ट साइमन एनालाइज द ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू प्रेफरेंसेज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अब यहाँ पर नाम आया है हर्बर्ट साइमन का. और दूसरी बात, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अब ह्यूमन बिहेवियर के भी हम बिहेवियर अप्रोच की बात कर रहे थे कि जो व्यवहारवादी उपागम है, तो इसमें मनुष्य के व्यवहार की चर्चा की जाती है. तो हर्बर्ट साइमन ने क्या एनालाइज किया है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उस संदर्भ में मनुष्य का व्यवहार देखा गया है. साइमन के शब्दों में कि मनुष्य का व्यवहार हम कैसे देख सकते हैं, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, यानी कोई भी कार्य संगठन में होता है तो उस कार्य का आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है, यानी जो प्रबंधक वर्ग होता है, उच्च वर्ग होता है उस संगठन में, वो डिसीजन लेता है. तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, तो किसी भी कार्य को करने से पहले की ये प्रक्रिया है जिसको हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं. जब निर्णय लिया जाता है, उसके बाद ही वो कार्य करवाया जाता है अपने अधीनस्थों के माध्यम से. तो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं साइमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे. और साइमन का डिसीजन मेकिंग मॉडल बहुत ही फेमस हुआ था. शायद आपको ना पता हो, साइमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1978 में इकोनॉमिक्स में. तो जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो आर्थिक संगठन होते हैं, उसके अंतर्गत साइमन ने डिसीजन मेकिंग मॉडल प्रस्तुत किया था, और उसी शोध पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया. तो एक नोबेल लॉरेट थे और ये एक अमेरिकी सोशल साइंटिस्ट थे. टू साइमन एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन. साइमन के लिए क्या है एडमिनिस्ट्रेशन? द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन. यानी प्रशासन जो है, साइमन के अनुसार प्रशासन कार्य करवाने की एक कला है, दूसरों से कैसे कार्य करवाना है. तो जो कार्य करवाना है, उसका डिसीजन कैसे लिया जाए. हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन अनेक निर्णय लेते हैं, अपने दैनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो, हमें निर्णय एक दिन में असंख्य निर्णय लेने होते हैं. तो चाहे हम घर की बात करें, क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या पहनना है, अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या खरीदना है, तो अपने दिन प्रतिदिन के हम जीवन में अनेक निर्णय लेते हैं. तो साइमन का जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है, उससे हम सीख सकते हैं एक व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने की कला क्या होनी चाहिए, कैसे वो अच्छा और सर्वोत्तम निर्णय ले सकता है. अभी हम आगे इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे. ही लेस इम्फेसिस ऑन द प्रोसेसेस एंड मेथड्स दैट इंश्योर एक्शन. उनका सबसे ज़्यादा जोर किस पर रहता है? प्रक्रिया और जो विधियाँ हैं, तरीके हैं, दैट इंश्योर्स एक्शन, जिनसे वो कार्य करवा सकते हैं. इन द बिहेवियरल अप्रोच द क्वेश्चन दैट इज टू बी अंडरस्टूड इज द प्रोसेस दैट प्रोसीड्स एक्शन. दिस इज पॉपुलरली नोन एज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. प्रश्न यहाँ पर क्या है बिहेवियरल अप्रोच में, कि इसको समझना है कि जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम किसी से कार्य करवा सकते हैं, और इसी को हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहा है. यानी जो कार्य करवाने का ढंग है, तरीका है, जो कार्य करवाना है, उससे पहले का जो प्रोसेस है, वही डिसीजन मेकिंग
प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली इसमें हम देखेंगे बिहेवियरल अप्रोच में, बहुत ज़्यादा बिहेवियरल अप्रोच की चर्चा नहीं करेंगे, बेसिक हमने डिस्कस कर लिया कब इसका इमरजेंस हुआ है। आपको शायद पता होगा कि सोशल साइंस में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद ये इमरजेंस हुआ था बिहेवियरल अप्रोच का, और पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं इसे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर के आए, उन्हीं दोनों विचारकों को इसको इसका क्रेडिट जाता है। चेस्टर बर्नार्ड हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में, और अब हम हर्बर्ट साइमन के कॉन्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं। द नीड फॉर टेकिंग डिसीजंस अराइजेस व्हेन देयर आर सेवरल अल्टरनेटिव्स और कोर्सेज ऑफ एक्शन ओपन टू एन इंडिविजुअल, बट वन हैज टू चूज ओनली वन अल्टरनेटिव बाई अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब ये तरीका जो बता रहे हैं कि कोई एक डिसीजन लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है, तो साइमन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने वाले यानी जो निर्णय करता है उसके समक्ष अनेक विकल्प होते हैं, और उन्हीं विकल्पों में से वो एक विकल्प का चयन करता है जो उसको बेस्ट लगता है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक समस्या ये भी है कि अनेक विकल्प हैं, उन्हीं में से हमें एक का चयन करना है, निर्णय हमें त्वरित लेना होता है, किसी एक निर्णय के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ऐसा नहीं कि हम एक निर्णय की प्रतीक्षा महीनों कर सकते हैं, किस निर्णय को हम एक महीने बाद लेंगे, कभी कभी हमें तुरंत निर्णय लेना होता है। तो निर्णय बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता, डिसीजन आपको लेना ही लेना है, बस आपको जो आपके समक्ष विकल्प हो सकते हैं उनमें से बेहतर विकल्प क्या हो सकता है इसका चयन करना है। यही हर्बर्ट साइमन कहते हैं सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है डिसीजन मेकिंग का। अब बात करते हैं रैशनैलिटी की। रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइज इन सिलेक्टिंग सच एन अल्टरनेटिव विच कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड मिनिमम नेगेटिव रिजल्ट। हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो वो रैशनल डिसीजन की बात करते हैं, इरेशनल डिसीजन की बात वो नहीं करते। हम सभी मनुष्य अपने जीवन में रैशनल डिसीजन ही लेना चाहेंगे, कभी भी कोई इरेशनल यानी अतार्किक या अबौद्धिक निर्णय हम नहीं लेंगे, बौद्धिकता के आधार पर ही निर्णय हम लेते हैं, अपने तर्क क्षमता के आधार पर हम तर्क करने में सक्षम होते हैं कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर होगा, तो हम उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो जो रैशनल की बात की है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और स्पष्ट कर दूँ, यहाँ मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया है कि साइमन बाउंडेड रैशनैलिटी की बात करते हैं, यानी सीमित तार्किकता, सीमित बौद्धिकता के आधार पर निर्णय लेना होता है। इसकी बात क्यों किया है, क्योंकि जो विकल्प होते हैं वो असीमित नहीं होते, अनेक विकल्प तो हमारे सामने होते हैं, असीमित नहीं होती, पहली बात तो ये। दूसरा, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है कि हम निर्णय लेने के लिए महीनों प्रतीक्षा कर सके, या हमारे पास असीमित समय, हमें निर्णय कभी कभी एक टाइम फ्रेम में लेना होता है। तो मनुष्य अपनी सीमित बौद्धिकता के आधार पर निर्णय लेता है, और कोई भी निर्णय सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता है कि ये सबसे बेस्ट है, और यही डिसीजन यानी जो डिसीजन हम ले रहे हैं, जो हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से सर्वोत्तम विकल्प कौन है, सबसे श्रेष्ठ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी विकल्प हैं उनकी बहुत ज़्यादा हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हर्बर्ट साइमन का कहना है कि सर्वोत्तम विकल्प चुनने की बजाय संतोषजनक निर्णय लेना चाहिए, एक व्यक्ति संतोषजनक यानी सेटिस्फाइंग डिसीजन ले सकता है, ना कि बेस्ट डिसीजन ले सकता है, ऑप्टिमल डिसीजन ले सकता है, ऐसा साइमन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये उनका बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, आप इसको बुक में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो हर्बर्ट साइमन का यहाँ पर कहना है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो रैशनैलिटी के बेस पर जो वो डिसीजन लेता है, तो कम से कम ऐसा निर्णय वो ले सके रैशनैलिटी के बेस पे जो ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक हो और कम से कम नकारात्मक हो। यही बात वो हर्बर्ट साइमन यहाँ पर कर रहे हैं कि विच कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट, जिससे जो हमारे परिणाम हैं डिसीजन लेने के बाद वो बेहतर हो सके, सकारात्मक हो सके, नकारात्मकता उनमें कम से कम हो। अब यहाँ एक बात और है कि हर्बर्ट साइमन जो डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो हर्बर्ट साइमन का मानना है कि डिसीजन, कोई भी निर्णय ना तो अच्छा होता है
ना बुरा होता है, ना सही होता है, ना गलत होता है, क्योंकि हम ये पहले से नहीं समझ सकते कि ये डिसीज़न हमारे हित में होगा या हमारे हित में नहीं होगा। जब उसके परिणाम आते हैं, जब डिसीज़न हम ले लेते हैं और उसका रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आता है, तब हमें इस बात का पता चलता है कि ये डिसीज़न अच्छा नहीं था, मेरे लिए बुरा साबित हुआ। तो कोई भी डिसीज़न अच्छा या बुरा या सही या गलत नहीं होता है, वो उसके परिणाम के आधार पर उसकी व्याख्या बाद में हम कर पाते हैं। इम्पॉर्टेंट फेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे हम फेजेस की बात करेंगे। इससे पहले एक बात मैं और डिस्कस करना चाहूँगी कि हम में से काफ़ी लोग डिसीज़न लेते हैं तो कभी कभी स्वयं डिसीज़न न लेकर के सोचते हैं कि दूसरा हमारे लिए निर्णय ले ले, हम दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंसी हो जाती है हमारी कि हमें कहीं जाना है, किसी पर्टिकुलर जॉब को ज्वाइन करना है, किसी सर्विस में जाना है, तो हम दूसरों से पूछते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। लेकिन हम अपने जीवन के सभी निर्णय तो दूसरों के कहने पर नहीं ले सकते हैं ना, ना दूसरे हमारे लिए सभी निर्णय, तो हमें कभी न कभी स्वयं लेना ही होता है। तो हमें साइमन के जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और फेजेस की बात करें, जो चरण होते हैं निर्णय निर्माण के, वो हर्बर्ट साइमन ने 3 चरण बताए हैं। पहला है इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी एंड थर्ड इज चॉइस एक्टिविटी। इंटेलिजेंस एक्टिविटी के अंतर्गत साइमन का कहना है कि निर्णय लेने के लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप है, हमारे समक्ष समस्या क्या है, हम उस पर विचार करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है और समस्या के कारण क्या है, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे बाद दूसरा चरण होता है हमारे पास डिज़ाइन एक्टिविटी, यानी उस समस्या के लिए विकल्प क्या क्या, उसके समाधान के लिए हमारे समक्ष विकल्प क्या क्या उपलब्ध हैं, कौन कौन से विकल्प हैं, और उन्हीं विकल्पों में से हम किसी एक विकल्प को चुनते हैं। तो दूसरा स्टेप हो गया हमारे पास उसके समाधान के लिए विकल्प क्या क्या हैं। एंड द लास्ट वन इज चॉइस एक्टिविटी, तो इन्हीं विकल्पों में से हम कौन सा एक विकल्प चुनते हैं, तो लास्ट वाला है कि हम कौन सा ऑप्शन उसमें हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे हमने भी बात की थी, सर्वोत्तम की बजाय संतोषजनक निर्णय लिया जाता है, तो जो विकल्प उपलब्ध है उसमें हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, उसमें से एक विकल्प का हम चयन करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के हर्बर्ट साइमन के अनुसार ये 3 फेजेस हैं, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी एंड चॉइस एक्टिविटी। ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू साइमन, द अबव 3 स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग आर सिमिलर टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्क्राइब्ड बाय जॉन डेवी इन 1910। दीज क्वेश्चंस आर, अब साइमन कहते हैं कि जो हमने अभी 4 जो अभी इससे पहले 3 स्टेजेस की बात की थी, तो वो बिल्कुल सिमिलर है। जैसे कि एक जॉन डेवी थे, 1910 में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हमारे समक्ष कुछ प्रश्न होते, किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारे समक्ष कुछ प्रश्न होते हैं, जॉन डेवी ऐसा कहते हैं। तो वो प्रश्न साइमन कहते हैं, इसी के आधार पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के स्टेजेज उन्होंने बताए हैं। जैसे कि पहला है व्हाट इज द प्रॉब्लम, यानी समस्या क्या है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल और विकल्प क्या क्या है, और लास्ट वन है विच ऑप्शन इज द बेस्ट, और विकल्प जो हमारे समक्ष उपलब्ध हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, कौन सा विकल्प बेहतर होगा हमारे लिए। इसके आधार पर, यानी जॉन डेवी ने जो 3 प्रश्न बताए हैं, इसका उल्लेख करते हैं हर्बर्ट साइमन, और इसी के आधार पर अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसके स्टेजेस बताई हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं फैक्ट एंड वैल्यू इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हर्बर्ट साइमन फैक्ट एंड वैल्यू दोनों की बात करते हैं। जब आप व्यवहारवाद पढ़ेंगे, जब आप राजनीति विज्ञान में या किसी भी सामाजिक विज्ञान में आप बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज हुआ है, तो आपको उसमें मिलता है कि व्यवहारवाद में तथ्यों को लिया जाता है, वो वैल्यू फ्री होता है, यानी न्यूट्रल मोड पे होता है, उसमें मूल्यों को छोड़ दिया जाता है, तथ्यों को शामिल, तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो जो व्यवहारवाद हमने पढ़ा है, फिर आपको याद होगा पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट बिहेवियरिज्म हम पढ़ते हैं, उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद क्या करता है, तथ्य और मूल्यों दोनों को शामिल कर लेता है। तो यहाँ पर हर्बर्ट साइमन जो अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बताते हैं, उसके अंतर्गत हर्बर्ट साइमन फैक्ट्स एंड वैल्यूज दोनों को आधार मानते हैं। यही दो चीज़ें हैं जिनके आधार पर हर्बर्ट साइमन कहते हैं डिसीजन लिया जा सकता है। अब यहाँ एक उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट लिया जाता है, तो कई जजेस की बेंच होती है,
पांच जजेस की या छह जजेस की बेंच है और उसमें फैक्ट्स तो सिमिलर है, सबके पास वही फैक्ट्स हैं, जो सूचना है वो तो एक ही है, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर फैसला आता है, कोई जजमेंट आता है, तो उसमें हम देखते हैं कि 3-2 या 4-1 से जो डिसीजन आता है उसमें 3 जज पक्ष में होते हैं और 2 उसके विरोध में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फैक्ट्स जो हैं, जो तथ्य हैं जिसके आधार पर वो जजमेंट दिया गया है कोर्ट में, वो सभी के पास सेम है, सूचना तो एक ही है, उसका स्रोत एक ही है, लेकिन हम उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ उन्हें अपने परिवार से मिली है, समाज से मिली है, जिस तरीके का उनका रहन सहन रहा है, जो उनका परिवेश है, सामाजिक परिवेश है या पारिवारिक परिवेश है, या उनके जो संस्कार हैं, जो उन्होंने मूल्य अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, तो उनके सोचने और समझने का नज़रिया बदल जाता है। तो उनका दृष्टिकोण अलग होने की वजह से फैसला जो आता है वो उसमें मत अलग अलग होते हैं, यानी कुछ उसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और कुछ उसके विरोध में। हर्बर्ट साइमन का कहना है कि डिसीजन मेकिंग में हम सिर्फ फैक्ट को बेस नहीं मान सकते हैं, फैक्ट एंड वैल्यूज दोनों को शामिल करना आवश्यक है, तभी हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट में हर्बर्ट साइमन का एक और कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। प्रोग्राम्ड डिसीजन, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन का क्या मतलब है? कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो दिन प्रतिदिन लेने होते हैं और वो रिपीट होते रहते हैं, बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे कुछ नियम विनियम बना लिए गए, फिक्स हैं कि हमें इसका ही पालन करना है, तो हमें अपने हमें मतलब जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं संगठन में, तो उनको जो नियम बताए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उसके आधार पर निर्णय लेना होता है, तो उसमें तो वो कुछ फेरबदल कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ निर्णय वहाँ ऐसे भी लेने पड़ जाते हैं संस्था में, जो अपने समझ के आधार पर, या हमें तुरंत कोई ऐसी समस्या आ गई, या कोई प्रासंगिक किसी अलग उसे डिफरेंट बात पे हमें निर्णय लेना है, तो उसमें हमें अपने जो नियम विनियम है उससे अलग, वो प्रोग्राम्ड डिसीजन के अंतर्गत न हो करके नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन के अंतर्गत कहे जाएंगे, अलग से जो निर्णय लेते हैं, जो विशेष प्रकार के निर्णय होते हैं। तो डिसीजन के ये दो टाइप्स बताए हर्बर्ट साइमन ने, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। तो आज हमने इस क्लास के अंतर्गत समझा कि बिहेवियरल अप्रोच क्या होती है, और बिहेवियरल अप्रोच हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका इमर्जेंस कब हुआ हम इसको, और इसके बाद हमने हर्बर्ट साइमन का जो फेमस मॉडल है डिसीजन मेकिंग मॉडल, जिसमें उन्होंने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की चर्चा की है, जिस पर उन्हें नोबेल भी प्राप्त हुआ था, उसकी हमने बात की। और उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।